गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे हमारे पास्ट कंटीन्यूअस का सेकंड पार्ट। देखो आपने देखा तो होगा ही, ये तो है नहीं, हम छोटे छोटे सेंटेंसों से काम चला लेंगे। आपने देखा होगा कई बार जो हमारे सेंटेंस होते हैं वो हमारे टू सेंटेंसेस का पार्ट होते हैं, यानी कि एक सेंटेंस। एक बार आप स्क्रीन शॉट ले लेंगे, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। आपने चलो एक बार स्क्रीन शॉट ले लेंगे। आपने कई बार देखा होगा, कई बार जो हम सेंटेंस जो बड़े बड़े सेंटेंस बनाते हैं तो वो हमारा उसमें टू टेंस को यूज किया हुआ होता है। तो उनका यूज हम कैसे करते हैं, आज इस वीडियो में हम इसी को अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, ये क्या कहता है, कॉमन एरर्स इन द यूज ऑफ पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में हम क्या क्या गलती कर सकते हैं, तो वो हमें आगे दोहरानी नहीं है। देखो भाई, सबसे पहले कहता है वेन टू वर्क्स हैविंग एट सेम टाइम, जब दो काम एक साथ हो रहे होते हैं। वैन पहला रूल हमारा क्या कहता है, वैन टू वर्क्स हैविंग ऑन सेम टाइम, यानी कि जब दो काम एक साथ होते हैं। वैन टू वर्क्स हैविंग एट सेम टाइम कहता है वाइल इज यूज। आपको ध्यान क्या रखना है, जब एक साथ दो काम होते हैं तो हम वाइल एज अ कंजक्शन यूज करेंगे, यानी कि वाहिल का यूज करके दोनों कामों को जोड़ते हैं, दोनों सेंटेंस को जोड़ के अपना एक सेंटेंस हम बनाएंगे। ठीक है, और कहता है वेन टू वर्क ओकर एट अल्टरनेट टाइम, यदि दो काम एक साथ ना होके एक के बाद एक होता है तो उस सिचुएशन को हम वैन के साथ यूज करके बनाएंगे, यानी कि तो फिर हम उस सिचुएशन में क्या यूज करेंगे, वैन का यूज करेंगे। तो आपको ध्यान क्या रखना है, जब दो काम एक साथ घटित होते हैं, यानी कि वेन टू वर्क्स ओकर एट सेम टाइम, तो फिर हम वी विल यूज वाइल, और वेन टू वर्क्स ओकर साइमल्टेनियसली, यानी कि एक के बाद एक हो रहा है तो हम वैन का यूज एज अ लिंकर यूज करेंगे। किसका, वैन का हम एज अ लिंकर यूज करेंगे। तो देखते हैं कैसे यूज करते हैं, मीनिंग क्या होता है। वैन और वाइल जब सेंटेंस के बीच में आ जाते हैं तो उनके मीनिंग क्या होते हैं, वैन का कब क्या मीनिंग होता है, वैन जब या जबकि, वाइल जब या जबकि, मीनिंग दोनों के सेम होते हैं, दोनों के यूज में फर्क होता है। तो हमारे सेंटेंस कैसे बनेंगे, तो सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हम वाज या वर में से एक लगाएंगे क्योंकि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज करते हैं, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाते हैं, फिर हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं, फिर हम वैन, यानी कि यदि एक साथ दोनों काम ना होके एक काम पहले होता है एक उसके बाद में होता है तो उस सिचुएशन में हम इस फॉर्मेशन का यूज करते हैं। तो आपको ध्यान रखना, तो वैन का यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। अब जैसे मैंने वर्ब की सेकंड फॉर्म का नाम लिया तो आपको याद आ जाना चाहिए पास्ट इंडेफिनेट टेंस, यानी कि एक पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा और सेकेंड हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। तो ये वाली फॉर्मेशन कब बनती है, जब हमारा एक काम पहले होता है और उसके बाद एक काम दूसरा उसके बाद दूसरा शुरू होता है। तो यानी कि जो काम पहले होता है उसको प्रेजेंट, उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम पास्ट इंडेफिनेट टेंस का यूज करते हैं, और जो काम बाद में यानी कि उस टाइम शुरू हो रहा है, बाद में शुरू, अभी भी शुरू है, यानी कि एक काम तो पहले हो चुका उसको पास्ट इंडेफिनेट में, लेकिन जो काम अभी भी जारी है, यानी कि कॉन्टिन्यूस का मतलब ही क्या है, कॉन्टिन्यूटी यानी कि जारी है, तो उसको शो करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का हम यूज करेंगे। उसके बाद ये स्ट्रक्चर हमारा ऐसे बन सकता है, हम वैन को पहले भी लाके हम अपना सेंटेंस बना सकते हैं। देखो पहले हम वैन लगाएंगे तो वैन के साथ क्या होगा, हमारा पहले सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, फिर हमारा ऑब्जेक्ट, फिर हमारा सब्जेक्ट, फिर हमारा वाज या वर्ब में से होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। अब देखो ये रूल हमें पता होने का बेनिफिट क्या मिलेगा, सपोज करो आप एग्जाम में गए हुए हो, आपको ये वाली फॉर्मेशन मिल जाती है, पहले वैन लगाओ, फिर सब्जेक्ट है, फिर ऑब्जेक्ट है, फिर यहाँ पे वाज वर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, और यहाँ पे वर्ब के स्थान पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है। तो आपको फॉर्मेशन पता होगी तो आपको क्या पता होगा, भी वैन आया हुआ है, एक काम पहले हो चुका है, तो पहले हो चुका तो वर्ब की सेकंड फॉर्म फिल करेंगे। तो इस प्रकार से आप क्या करोगे, आप अपने एग्जाम में आप अपनी वर्ब्स को अच्छे से एक्यूरेटली आप फिल कर पाओगे। तो ये तो था हमारा एक एग्जाम्पल, यानी कि वैन को हम बीच में लेके भी हम अपना सेंटेंस बना सकते हैं, वैन को हम सबसे स्टार्टिंग में लेके भी हम अपना सेंटेंस बना सकते हैं। दूसरा जो टाइप वो क्या है, पहले सब्जेक्ट होगा,
फिर उसके बाद हम वाज या वर लगाएंगे, फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वाइल लगाएंगे। अब ध्यान देना वाइल में क्या होगा, वाइल का यूज हम कब करते हैं, जब दो काम एक साथ हो रहे होते हैं, यानी कि उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता, उन कामों के बीच में कोई गैप नहीं हो रहा, दोनों काम एक साथ हो रहे होते हैं, तो वहां पे हम वाइल लगाते हैं, क्योंकि दोनों कामों में कंटिन्यूटी होती है, इसीलिए हम दोनों वाइल वाले सेंटेंस में दोनों साइड हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। तो वॉज वर यहाँ भी है और वॉज वर यहाँ भी, यानी कि दोनों साइड वाइल के, इधर भी पास्ट कंटिन्यूअस और उधर भी हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज होता है। यदि हम वाइल को बाहर ले आते हैं तो फिर उसके बाद क्या होता है, पहले वाइल लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वाज या वर, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर हमारा ऑब्जेक्ट लग जाता है, और फिर हम एक कोमा लगा देते हैं, उसके बाद हमारा फिर सब्जेक्ट, फिर वाज या वर, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है। आई थिंक आपको ये दो रूल मैंने आपके बताए हैं, एक तो वाइल से सेंटेंस को कैसे जोड़ते हैं, वैन से सेंटेंस को कब जोड़ना है, वैन से सेंटेंस को हमें तब जोड़ना है जब एक काम पहले हुआ है और दूसरा काम उस काम के होने के जस्ट आफ्टर स्टार्ट हो गया है और वो अभी भी कंटिन्यू है। तो जो काम पहले हो चुका है वो वैन से, उसको हम कंजक्शन वैन से जोड़ेंगे, लेकिन जो काम पहले हो चुका उसमें पास्ट इंडेफिनिट यानी कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म हम यूज करेंगे, लेकिन जो काम हमारा वो काम खत्म होने के जस्ट आफ्टर स्टार्ट हो चुका है और अभी भी कंटिन्यू है उसको करने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हम यूज करेंगे। दूसरा हमारा वाहिल वाला है, तो वाहिल में आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वाहिल का हम यूज जब करते हैं जब हमारे दोनों काम पैरेलल यानी कि एक साथ चल रहे होते हैं, तो एक साथ चल रहे होते हैं दोनों कंटिन्यू होते हैं, इसलिए हम उसमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का दोनों ही साइड में वाहिल का यूज करते हैं और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। अब देखो सेंटेंस देखेंगे, जब मैं कल सुबह तुमसे मिलने आया था तो तुम अपने स्टडी रूम में पढ़ रहे थे। अब यहाँ पे पकड़ना सेंटेंस को, जब मैं कल सुबह तुमसे मिलने आया, तो मिलने आने का काम पहले खत्म हुआ है, वो मिलने पहले आया, एक काम पहले खत्म हो चुका, तो उस टाइम काम कौन सा जारी था, तो तुम अपने स्टडी रूम में पढ़ रहे थे, यानी कि उसके पढ़ने का काम जारी है, तो वो पहले आया है, तो सेंटेंस मतलब क्या बनेगा, किससे बनेगा, यानी कि एक काम पहले हुआ है, दूसरा काम उसके बाद शुरू है, अभी भी जारी है, यानी कि वो खत्म नहीं हुआ है, तो यानी कि वैन का यूज करेंगे और एक 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 साइड में पास्ट इंडेफिनेट यूज करेंगे और एक साइड में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हम यूज करेंगे। देखेंगे वैन आई केम टू मीट यू, तो वैन को हमने बाहर ले लिया, When I came to meet you yesterday morning, you were studying in your study room. तो तुम क्या कर रहे थे, you were studying in your study room. ठीक है, तो आगे देखते हैं, दूसरा है रानी गाना गा रही थी जबकि उसकी छोटी बहन नाच रही थी। अब रानी गाना गा रही थी, उसकी छोटी बहन नाच रही थी, तो दोनों काम क्या हो रहे हैं, एक साथ चल रहे हैं, तो एक साथ चल रहे हैं, तो वाइल का यूज करेंगे और वाइल का यूज करेंगे साथ में दोनों ही साइड में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हम यूज करेंगे। तो सेंटेंस कैसे बनेगा, रानी वाज सिंगिंग ए सॉन्ग वाइल हर यंगर सिस्टर वाज डांसिंग। अब यहाँ पे हमने इसमें क्या कर लिया, वाइल का यूज कर लिया, वाइल हर यंगर सिस्टर वाज डांसिंग। उसके बाद मैं पार्क में टहल रहा था तब राम टीवी देख रहा था, यानी कि वो पार्क में टहल रहा था तभी जो राम टीवी देख रहा था, दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, आई वॉज वॉकिंग इन द पार्क वाइल राम वॉज वॉचिंग टीवी। जबकि वाइल का यूज करके दोनों साइड में हमने कौन सा टेंस यूज कर दिया, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज कर लिया हमने। तो आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका एक रूप और होता है, कहता है पास्ट के किसी चीज में यदि पास्ट में कोई ग्रेजुअल इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, यानी कि पास्ट में किसी चीज में ग्रेजुअल यानी कि धीरे धीरे, या तो कोई इंक्रीजिंग यानी कि किसी चीज में बढ़ोतरी हो रही है, या फिर कुछ कोई चीज साथ के साथ घट रही है, तो उसको एक्सप्रेस, उसको शो करने के लिए भी हम किस टेंस का यूज करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता है। और वहां पे याद रखना डबल कंपैरेटिव का यूज होता है, जब हम ग्रेजुअल इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग शो करते हैं, ग्रेजुअल यानी कि धीरे धीरे, इंक्रीजिंग कोई बढ़ोतरी और डिक्रीजिंग होता है किसी चीज में घटा होना, कोई चीज घटना, यानी कि साथ साथ उसमें ग्रेजुअल साथ के साथ घट रही है कोई चीज,
तो उसको शो करने के लिए भी हम पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज करते हैं, लेकिन याद रखना वहां पे हमें डबल कंपैरेटिव का यूज करना पड़ता है। इसका सेंटेंस हम देखेंगे कैसे बनाते हैं। ये क्या करता है, सी वॉज गेटिंग फैटर एंड फैटर डे बाई डे, तो सी वॉज गेटिंग फैटर एंड फैटर यानी कि वो और मोटी हो, यानी कि ग्रेजुअल इंक्रीजिंग हो रही है उसकी वेट में, ठीक है। तो इस टाइप के यानी कि फैटर एंड फैटर डबल कंपैरेटिव हमने यूज कर लिया डे बाय डे। तो सी वॉज गेटिंग, तो वॉज और गेटिंग पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का हमने यूज कर लिया। तो आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे इस वीडियो में हमने बेटा क्या सीखा, हमने सीखा जब दो काम एक साथ घटित हो रहे होते हैं तो या तो हम व्हाइल का यूज करते हैं या फिर हम व्हेन का यूज करते हैं। लेकिन व्हेन हम कब लगाते हैं, जब एक काम तो चल रहा हो और एक खत्म हो चुका हो, लेकिन जब दोनों काम एक साथ चल रहे हो तो एज ए लिंकर हम व्हाइल का यूज करते हैं और फिर दोनों साइड में हम पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। जबकि जब व्हेन वाले क्लोज में, व्हेन वाले सेंटेंस में क्या करते हैं, हम जब एक काम जो खत्म हो चुका है उसको शो करने के लिए हम पास्ट इनडेफिनेट टेंस का यूज करते हैं और जो काम चल रहा होता है, जो जारी काम है उसको शो करने के लिए हम पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का हम यूज करते हैं। उसके बाद हमने दूसरा रूल क्या सीखा, हमने ये देखा व्हेन को हम सेंटेंस के बीच में भी यूज कर सकते हैं, व्हेन को हम व्हेन या व्हाइल से हम स्टार्टिंग में भी सेंटेंस बना सकते हैं। ये हमने इसके फॉर्मेशन के मैंने रूल यहाँ पे लिख दिए हैं, प्लीज अपने नोटबुक में आप नोट कर लेंगे। उसके बाद हमने क्या देखा, जब किसी चीज में ग्रेजुअल डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग शो करनी होती है तो हम वहां भी पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज करते हैं, लेकिन याद रखना है फिर उस सिचुएशन को शो करने के लिए हम डबल कंपैरेटिव का यूज करते हैं। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यदि आपको मेरी वीडियो से थोड़ा सा भी फायदा मिल रहा है, आपकी नॉलेज इंक्रीज हो रही है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि फ्यूचर में आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज मिलेंगी। और लाइक और शेयर जरूर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं और ज्यादा आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाती रहूं। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।